नमस्कार दोस्तों, मुक्ति के उपचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बताना चाहूँगा कि चार दिन पहले अपने यहाँ बरसात का अंदाज़ा कैसे लगाएंगे। देखिए, प्रकृति में जो भी है वो सब हमारे लिए है और सब कोई ना कोई सूचना देता है। लोग कहते हैं कि भगवान ने चेहरे पर कोई ऐसा मीटर नहीं लगाया जिससे कि वो पता लग जाए भूखा है कैसा है, लेकिन ये बात गलत है। चेहरा भगवान ने एक ऐसा बना के भेजा है जो हर चीज़ का आपको असर दिखाएगा। गुस्से में है वो दिखाई पड़ेगा, भूखा है वो दिखाई पड़ेगा, प्यासा है वो दिखाई पड़ेगा, परेशान वो दिखाई पड़ेगा, घबराया सब दिखाई। इसी प्रकार से प्रकृति में हर चीज़ को जानने के लिए हमें भगवान ने बहुत कुछ किया है। तो इसमें एक ये कैसे जाने कि हम बरसात होने वाली है, इसके लिए जानने का बड़ा आसान उपाय है। अगर जो तुम्हारे घर के आसपास चींटियाँ निकलने शुरू हो जाएं और चींटियाँ निकलना प्रारंभ हो जाए और चींटियाँ इधर उधर भागने लग जाएं, कहीं लाइन लगा के चलने लग जाएं, तो आप ये जान लीजिए कि आपके यहाँ बरसात होने वाली है। और आपको चार दिन में इस चीज़ का मैंने ऑब्जर्वेशन हजारों बार किया है और मैंने कई एक लोगों से करवाया, हर जगह रिजल्ट पक्का निकला है। इसमें कोई भी सैटेलाइट फेल हो सकती है, मौसम विभाग की जानकारी फेल हो सकती है, लेकिन ये जानकारी कभी फेल नहीं होती। अभी एक पता नहीं किसने भ्रांति डाली गई कि 23 सितंबर को कही कि दुनिया नहीं रहेगी, ये सब बकवास है, इनके चक्कर में कोई मत पड़ो, ये सब उल्लू बनाने की चीज़ें हैं। और वैज्ञानिकों की शोध से कई बार ऐसा आया कि ये आपत्तिजनक घटना आने वाली है, ऐसा होने वाला, ऐसा कुछ नहीं। ज्योतिष से जो निकलता वही सत्य होता है, तो ये एक ज्योतिष है और मशीनें कभी धोखा दे जाती हैं लेकिन ये धोखा नहीं देगी। इसलिए आप चार दिन पहले से आप जान सकते हो कि कैसे कब बरसात होने वाली है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद।